हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री लर्न वीडियो। तो थंबनेल से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है CSIR नेट के लिए। तो इस वीडियो को बनाने का भी रीज़न ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, IIT से लेके एक ग्रामीण क्षेत्र के डिग्री कॉलेज तक। तो जो IITs में पढ़ते हैं, तो IITs के स्टूडेंट्स तो काफ़ी ऐसे कह सकते हैं, डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं और अदर स्टूडेंट्स को, कि काफ़ी टैलेंटेड होते हैं और उनको इन सब के बारे में जानकारी होती है। तो उन सबको इन सारी बुक्स के बारे में मालूम होता है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के या जो छोटे शहर के डिग्री कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो BSc MSc के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको इन सब के बारे में पता नहीं होता है। तो लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से उन लोगों को नेट का या जेम का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें यह समझ नहीं आता है कि हम लोग कौन सी बुक से पढ़ें और कौन सी बुक से नहीं पढ़ें, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जो दूर दराज नेटिव प्लेस, जो रिमोट एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनको पता चले कि जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर कोई ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि हम यार वहाँ पे पढ़ नहीं पाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि मैं भी बहुत अच्छी जगह पढ़ूँ, IITs ISER से लेके जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, नामी इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पढ़ने का मौका मिले। लेकिन कभी कभी लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से वो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप लोग अभी BSc में हैं, MSc में हैं और इन सब बुक्स के बारे में आपको पता नहीं है, तो मैं और आप इक्वल हैं। क्योंकि जब मैं BSc में था तब मुझे इन सब बुक्स के बारे में मालूम नहीं था, क्योंकि मैं भी एक छोटे डिग्री कॉलेज में BSc किया हुआ हूँ। तब मुझे केवल सिर्फ एक बुक का नाम मालूम था, वो थी पुरी शर्मा पठानिया। इसके अलावा यहाँ पे जितनी भी बुक्स लिखी हुई हैं उन सब बुक से मैं वाकिफ नहीं था, ठीक है। इन सब का मुझे नॉलेज हुआ MSc में और ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ CSIR नेट। तो MSc मेरा BHU से था, तो इस वजह से मुझे पता चला कि इतनी भी बुक होती हूँ। काफ़ी सरप्राइज था इन सब चीज़ों को, इन सब बुक्स को के नाम सुनकर, इनको देखकर, और बाद में जब इनको पढ़ा तो काफ़ी अच्छा भी लगा इन बुक्स को पढ़ के। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इन बुक्स को आप लोग फॉलो करिए। ये IIT जेम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, IIT गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, और CSIR नेट के लिए भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। तो अगर आप BSc में ही हैं, तो BSc में अगर आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं, तो इन बुक्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। ये वो बुक्स हैं जो मैंने अपने नेट और गेट के प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी हुई थी। तो आप लोग भी इन सबको पढ़िएगा और अच्छी जगह से MSc करिए, IPSD करिए, PhD करिए, और एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करिए अच्छे नंबरों से। तो ये फिज़िकल केमिस्ट्री के जो बुक हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, वो हैं पुरी शर्मा पठानिया। अगर हम लोग कंप्लीट टेक्स्ट बुक की बात करें तो पुरी शर्मा पठानिया, पीटर एटकिंस एंड KL कपूर आर द बेस्ट बुक। अगर आप लोग इन में से किसी एक बुक को ही फॉलो करेंगे ना BSc में, ड्यूरिंग BSc, अगर आप लोग BSc के दौरान किसी एक बुक को भी फॉलो कर लेंगे ना, तो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आप BSc में ही IIT जेम का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक वाइज। तो आप लोगों को ऐसे करना है, जो अगर आप BSc में, तो इन सब बुक को ऐसा नहीं है कि इतनी सारी बुक्स पढ़ लें तो हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बुक को विद कॉन्सेप्ट 4 से 5 बार पढ़ रहे हैं तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा, और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप लोग अपने माइंड से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सोचने लगेंगे और आपका माइंड शार्प होता जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएंगे। तो अगर कंप्लीट बुक की बात करें तो आप लोग इन तीन में से किसी एक बुक को फॉलो कर सकते हैं। मैंने बाद में इस बुक को फॉलो किया हुआ था, पुरी शर्मा पठानिया को, एंड देन पीटर एटकिंस एंड KL कपूर। अब क्वांटम की बात हम लोग कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो मेजर पार्ट होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वो क्वांटम की हम लोग अगर बात कर लें तो क्वांटम में जो बेस्ट बुक है वो डोनाल्ड ए मैक्वेरी के नाम से जानी जाती है। तो बेस्ट बुक कौन सी है? मैक्वेरी, एंड देन आर के प्रसाद में काफ़ी ईजी लैंग्वेज है, इसमें भी आप लोग समझ सकते हैं इस बुक को।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने जो फॉलो की हुई थी ड्यूरिंग एमएससी वो पीएसपी था, बोकरेस एंड रेड्डी था। इसके बाद मैंने अभी पीएचडी में एलन जे बार्ड एंड फाकनर भी स्टार्ट कर दिया। तो ये दोनों एडवांस लेवल की बुक हैं, बोकरेस एंड रेड्डी, बार्ड एंड फाकनर। बट आपको अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है तो पुरी शर्मा पठानिया पढ़िए, एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक पढ़िए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात करें तो एनसीईआरटी, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ कि आप लोग एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक यूज़ करिए, पुरी शर्मा पठानिया यूज़ करिए, और जे लैडलर, कीथ जे लैडलर भी फॉलो करिए, बहुत अच्छी बुक है और बहुत ही आसान लैंग्वेज है इसमें। मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो सी एन बैनवेल, बहुत अच्छी बुक है। सी एन बैनवेल को मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, कई बार मैं पढ़ चुका हूँ सी एन बैनवेल को। ये भी मैंने बीएससी में नहीं पढ़ी हुई थी, ड्यूरिंग एमएससी और सीएसआई नेट एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान पढ़ी हुई थी। अब आती है ग्रुप थ्योरी की बात, तो ग्रुप थ्योरी के लिए जो इम्पोर्टेंट बुक है वो के वीरा रेड्डी एंड एस स्वर्ण लक्ष्मी। एस स्वर्ण लक्ष्मी काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत पतली बुक है और कॉन्सेप्चुअल इसमें कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। के वीरा रेड्डी भी बहुत आसान बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के लिए मैंने पुरी शर्मा पठानिया ने यूज़ की थी। तो ये बात हो गई हम लोगों की फिजिकल केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बीएससी के दौरान जेडली मैंने फॉलो नहीं की थी, क्योंकि मुझे उतना पता नहीं था। और उतना ये होता है ना कि अगर जहाँ पे पढ़ाया जाता है तो वहीं उतनी ही बुक पढ़ने में मन लगता है, लेकिन नहीं था। तो जेडली का नाम थोड़ा बहुत सुना हुआ था बट मैंने कभी फॉलो नहीं की थी ड्यूरिंग बीएससी, लेकिन एमएससी में आने के बाद मैंने इन सारी बुक्स को फॉलो किया था। अब आते हैं जेडली, काफ़ी अच्छी बुक है अगर आप लोगों को मेन ग्रुप की स्टडी करनी है, मेन ग्रुप की स्टडी के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ये जेडली। पुरी शर्मा का लिया बेस्ट बुक जे हुई। तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैं आपसे उनको प्रेफर करूं तो आप पुरी शर्मा कालिया और जे हुई को फॉलो कर सकते हैं, और इसको ही काफ़ी अच्छे से 2 से 3 बार स्टडी करेंगे, आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। फ्रेस रिवर एंड एटकिंस भी यूज़ कर सकते हैं। मिसलर एंड टार, मिसलर एंड टार से मैंने ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री पढ़ी हुई थी और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ट्रांस इफेक्ट पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत ओएमसी पढ़ा हुआ था, और हम लोगों ने मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ट्रांस इफेक्ट इससे पढ़ा हुआ था। ए जे इलियास एंड वी डी गुप्ता, ए जे इलियास आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर हैं एंड वी डी गुप्ता, इनकी बुक ओएमसी बेस्ट बुक है, अभी तक की बेस्ट बुक है। इसी से सब लोग पढ़ाते हैं, जो भी तैयारी कराते हैं जैसे कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं तो वो इसी बुक को फॉलो करते हैं, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। मैंने भी ओएमसी के लिए ये वी डी गुप्ता यूज़ की थी। द बेस्ट बुक फॉर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज़ अजय कुमार, अजय कुमार से मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था, थोड़ा बहुत आर सरकार से भी पढ़ा हुआ था, बाकी एसिड बेस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी मैंने अजय कुमार बुक से ही पढ़ा हुआ था। यहाँ से आप लोग मेन ग्रुप पढ़ सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के लिए आप लोग जे हुई, पुरी शर्मा का लिया, ये सब यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको फॉलो करना है बुक तो वो है क्लेडन एंड कैरोथर। इसके अलावा मैं ज़्यादा आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इन दो बुक्स के अलावा, बाकी भी बुक हैं तो वो है पी एस कलसी। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हैं जेरी मार्च। रिएक्शन रीअरेंजमेंट एंड रिएजेंट के लिए आप लोग एस एन सन्याल की बुक प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूं, अगर आप बीएससी और एमएससी में हैं तो आपको मैं सिर्फ फिज़िकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के लिए जो बुक प्रेफर करूंगा वो मैं प्रेफर करूंगा, आप लोग प्रेफर करिए इन 3 बुक्स को। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पुरी शर्मा कालिया एंड जे हुई को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लेडन एंड कैरोथर को, इन बुक को आप लोग फॉलो करिए। बाकी इतनी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी आप लोगों को उतना बीएससी के दौरान। हाँ, अगर जैसे अगर आप लोग अच्छी जगह पहुँचेंगे तो इनमें से क्या है थोड़े थोड़े टॉपिक ले लिए जाते हैं, तो इनको आप फॉलो करिए और अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जो बीएससी में है उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर वो लोग बहुत अच्छी जगह से एमएससी या आईपीएचडी करना चाहते हैं। तो आप लोगों को गाइडेंस मिलता रहे इसीलिए मैं इस तरीके की और भी वीडियोस बनाऊंगा, और जिस तरीके का आपको अगर और भी गाइडेंस के लिए कोई और वीडियो चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो इन बुक को फॉलो करिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।